हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फेस मास्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 9 इंच एक पैटर्न ड्रॉ किया है, जिसकी लंबाई 9 इंच है और चौड़ाई 4.5 इंच है। इसे हम डबल फोल्ड कपड़े पर रखकर ड्रॉ कर लेंगे। हमने यहाँ सेंटर में कट दिया है 1 इंच का। वैसे ही हम कपड़े पर भी इस पैटर्न को पूरा ड्रॉ कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। ये हमने कपड़े पर इसको कट कर लिया है। अब हमें इसे सेंटर से ऐसे पकड़ते हुए दोनों साइड को जोड़कर ऐसी सिलाई लगा लेंगे। हमें दोनों पार्ट पर ऐसी सिलाई लगानी है। तो चलिए पहले इसमें सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ हमने दोनों पार्ट की सेंटर में सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इन दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक रखकर जोड़ लेंगे। ये दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं। अब हमें ऐसे इनको रखकर एक उल्टा रखा है और एक बार सीधा रखा है, इसे चारों कोनों पर हम इसे सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए पहले इस पर सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ हमने इसके चारों भाग पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम आइस के यहाँ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे। यहाँ पैटर्न की हमने लंबाई 7 इंच रखी है और चौड़ाई इसकी 4 इंच है। और यहाँ ऊपर हमने एक गोलाई में इसे शेप दे दिया है। आपको ऐसे ही पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसको प्लास्टिक पर रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसा हमने पैटर्न ड्रॉ किया है वैसे ही इसको प्लास्टिक पर रखकर हम कटिंग करेंगे। यहाँ प्लास्टिक के लिए आप जो साड़ियों और सूट कवर आता है उनका जो प्लास्टिक होता है काफ़ी मोटा होता है, वो मैंने यहाँ यूज़ किया हुआ है। यहाँ प्लास्टिक का पैटर्न को कट करने के बाद हम इसके दोनों कॉर्नर पर ऐसे कपड़ा रखते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे, इनकी दोनों साइड को बंद कर देंगे। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी कपड़ा रखकर फोल्ड कर लेनी है। यहाँ हमने ये पैटर्न तैयार कर लिया है। अब हम इसे मास्क में ऊपरी साइड पर जैसे हमने इसको शेप दिया है वैसे ही इसको जोड़ लेंगे। यहाँ दोनों कॉर्नर पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ मास्क के ऊपर हमने इसको अटैच कर लिया है। इसके बाद हम जैसे हमने मार्क्स का पैटर्न ड्रॉ करा था वैसे ही हमने इसको कपड़े पर ड्रॉ कर लिया है। और अब हम इसे ऊपर की साइड लगाकर अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे ताकि ये सिलाई हमारी पूरी तरह से दब जाए। यहाँ हमने अटैच कर लिया है इसको। अब हमारी सिलाई अंदर की तरफ दब गई है। अब हमें थर्ड पैटर्न ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमने जो पैटर्न की लंबाई है वो 7 इंच ही रखेंगे, नीचे वाले पैटर्न के जितनी ही, और इसकी चौड़ाई हमने 5 इंच रखी है। इसके ऊपर हमने कैट के ईयर जैसे गोलाई दे दी है, वैसा ही पैटर्न आपको ड्रॉ कर लेना है और इसको डबल कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेंगे। यहाँ डबल कपड़ा लिया है हमने और ऐसे ही इसको कटिंग कर लेना है। यहाँ हमने इसको कट कर लिया है। अब इसके चारों तरफ हम तीन तरफ हम सिलाई लगा देंगे, नीचे के भाग में हम सिलाई नहीं लगाएंगे। यहाँ हमने तीनों साइड सिलाई लगा ली है। अब इसको पलट लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाएँ ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसको पलटने के बाद हम नीचे वाले भाग को इसके अंदर रखते हुए इस तरह से रख देंगे और ऊपर फोल्ड कर यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ चारों तरफ इसकी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हम लास्टिक लगाएंगे। लास्टिक के लिए यहाँ कॉर्नर को फोल्ड कर लेंगे और उसके दोनों साइड पर हम लास्टिक लगा देंगे। फंक्शन के लिए मैंने आइस यहाँ पर लगा दी है। दो कपड़े की आइस गोल काट कर ऐसे हम अटैच कर देंगे और साथ ही हम इसे लास्टिक भी अटैच कर लेंगे।
यह हमने लास्टिक अटैच कर लिया। यह हमारा फेस मास्क बनकर तैयार है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को